रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस के अंदर देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरा चैनल शाही स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लौकी का सालन। लौकी का सालन किस तरीके से बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को भी पार्ट स्किप मत करें। लौकी का सालन बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो ये हैं। लौकी 1.5 किलो। लौकी के मैंने छिलके उतार लिए थे और इसे अच्छी तरह मैंने धो लिया था। अच्छी तरह धो के मैंने इसे पानी में भिगो के रखा था, क्योंकि इस ऐसे रखने से इसका रंग ख़राब हो जाता है। प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, सब्ज़ मिर्च 9 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब मैंने लौकी को काट लिया है, आप देख सकते हैं इस साइज में काटा है मैंने, और अब मैं इसका सालन बनाऊंगी। अब सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी। और प्याज को फ्राई करूंगी। जब प्याज फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिए। लाल मिर्च पाउडर मैंने शामिल कर दिए। अब मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। मसाला भून चुका है, अब मैं लौकी शामिल करूंगी। लौकी मैंने शामिल कर दी है। अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, ज्यादा पानी नहीं शामिल करूंगी क्योंकि पकने के दौरान ये भी अपना पानी छोड़ देती हैं। अब मैंने लौकी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक्कन दे दूंगी प्रेशर कुकर को। और अब मैं इसे आज आँच पे पकाऊंगी। अब हमारी लौकी पक चुकी है, ये देखें। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करूंगी। और इसे मिक्स करूंगी। लौकी हमारी गल चुकी है, पक चुकी है। अब मैं इसे सफेद जीरा से गार्निश करूंगी। अब हमारी लौकी का सालन तैयार हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट में सर्व करूंगी। माशाल्लाह से हमारा लौकी का सालन तैयार हो गया है।
रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और एंड पे जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।